खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका बड़ा पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। लगातार हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट, हर एक खबर आप सबके सामने लाया करा, दिखाया करा, बताया करा। आज फिर आप सबके बीच में मौजूद हूं भाई, और तकरीबन रात के 8:30-9 बजे का टाइम है, और आप देख रहे हो मैं खेत में हूं जिसमें कपास खिली हुई थी, और वो कपास के खेत में मौजूद हूं जो कि मेरी जन्मसतली धर्मसतली गांव मिराण का जो है खेत है। और यहां पर जो मेरे तरफ फोन आया भाई एक भाई का मन का कि इस तरह हमारे खेत में एक संदिग्ध वस्तु मिली है, ड्रोन भी उसका है या फिर उसके ऊपर जो है पाकिस्तान का झंडा लाग रहा है। और भाई जो है थोड़ा डर रहा था उस मामले में, हमने पुलिस प्रशासन से भी आगाह कराया, और फिलहाल जो है आप देख रहे हो रात का टाइम है और पुलिस प्रशासन की टीम मैं और वो भाई जिसका खेत है हम सारे उसके खेत में जा रहे हैं, और वो जो वस्तु है भाई उसने ढूंढने की कोशिश करना है यहाँ की वक्त है, क्योंकि जिस टाइम में भाई ने देखी थी उस टाइम पर दिन का टाइम था, और अभी फिलहाल आप देख रहे देर रात हो रही है और उसने ढूंढने की कोशिश करना है किस तरह जगह मिल जा, वह वस्तु मिल जाता कि हम उसने देख पावा कि भाई वो ड्रोन है या कोई झंडा है या वह क्या चीज़ है। उसी कोशिश में हम सब हाँ किस तरह वह जगह मिल जाए और वह चीज़ मिल जा, और जो है तलाश बीन जारी है भाई अलग अलग पुलिस प्रशासन मेरे और उस भाई के द्वारा, एक उस भाई का पड़ोसी भी आ रहा साथ में हैप्पी, और हम सब मिलकर जो है ढूंढने लग रहे हैं, और जो है भाई अब पता चला है कि वह चीज़ मिल गई है, वह जगह भी मिल गई है जो वह चीज़ जरिए है। पुलिस प्रशासन की टीम आप देखने लग रहे हो तो शाम थाने तो आई हुई है मौका पर मुआयना करने खातर कि भैया क्या चीज़ है। पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा जो है चेक किया जाना रहा है, और यह वह चीज़ है जो आप धीमे धीमे देखना रहे हो भाई कि यह क्या चीज़ है, और ये जनाब जो है भाई उठा के दिखाना रहे सब ने कि यह एक झाजनुमा चीज़ है, और जिस तरह खिलौने होया करे और आप दुकाना पर आमतौर पर दुकाना बिस्तारे खिलौने देखना रहे, लेकिन यह जो चीज़ है भाई जो हाथ में है वो पाकिस्तान का झंडा इस जहाज के ऊपर लाग रहा है, जो कि सोचने वाली चीज़ है कि पाकिस्तान का झंडा या जहाज अड़के करा है। थोड़ा सा और गौर तक अगर आप देखोगे इस तरह की दिखाई जाना रही है तो पुलिस प्रशासन भी हैरान है, नीचे भाई तगा बन रहा है इसके कि छोटे बच्चे जिस तरह इसने भाई उड़ाया करे हैं या हमें ले घुमाया करे हैं तो उस तरीके से है या, और एक खिलौना नुमा चीज़ है। पहले तो नहीं सकता है कि भाई कोई ड्रोन न हो या कोई ऐसी चीज़ न हो, कोई बम वगैरह न हो इसके अंदर, काफ़ी सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलना रहे जिस टाइम पर हम जब मैंने पता चले, और इसके ऊपर आप देखोगे तो PIA लिख रखे है भाई, दिमाग दिमाग देखोगे अगर पुश भी कर लियो वीडियो ने PIA लिख रखे है, जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज जिसकी फुल फॉर्म बने हैं, जो कि पाकिस्तान का जहाज है जो एक देश से दूसरे देश जा है, तो उसका जो हम मार्का इसके ऊपर है आगे अरबी में लिख रखे है, और यह सोचना जी पीछे देखो पाकिस्तान का झंडा इसका लाग रहा है, तो ये हूबहू उस तरह बना रखी बनानी ने जिस तरह पाकिस्तान की जहाज है भाई। तो यह सोचने वाली चीज़ है कि यह जहाज मिराण गांव में हल्का तो शाम में जिला भिवानी में कहना लाग रही है, यह सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि मेरा जो गांव है वो प्रश्न यो भी है कि वो भाई पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास भी कौन ही ठीक है कि इस तरह की कोई चीज़ आ गई उस देश से, और इस तरह की चीज़ हमारे देश में बढ़ना भी नामुमकिन दिखाई दे है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ हैं कंपनियाँ हैं जो बनाऊँ इस तरह खिलौने, तो वह क्यों पाकिस्तान के जहाज का खिलौना क्यों बनाऊँगे भारत के अंदर, यो भी एक बड़ा प्रश्न सवाल जो है खड़ा करे है चीज़। और प्रशासन जो है भाई वो चिंता में था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे हमने ये SHO साहब हैं जिस तरह हमने बेरा पटाया कि भाई कुछ भी नहीं है एक खिलौना मात्र है, तो जो है थोड़ा सा डर कम हुआ, और गांव वाले भी तब तक आ गए थे भाई मौका वारदात तो पहुंच गए थे देखने खातर की क्या चीज़ है। लेकिन यह चीज़ एक चीज़ और साथ में जाहिर करना चाहूँगा मैं कि इस तरह जो घटना है ये गांव वाले भाई खड़े हैं, और फतेहाबाद में भी जो है इस तरह की घटना घटी थी सेम इस तरह जो है एक जगह पर इस तरह एक खिलौना मिला था जिसके ऊपर PIA लिख रखा था, पाकिस्तान का झंडा था, अरबी में लिख रखा था। तो यह सोचने वाली बात है कि ये इस तरह घटना जो है ये क्यों घटना लग रही है, और ये जो अमन है भाई जिसके खेत में यह घटना घटी है SP भाई है जो कि गांव का एक भाईचारा भरोसा पड़ोसी भाई उनका नाता है, जिस तरह पता चला कि इस तरह कोई घटना है इस तरह कोई चीज़ खेत में है तो ये सब दौड़ के आगे ताकि साथ में खड़े आया जा सके, और जो है भाई पुलिस प्रशासन भी पहुँच गया था। तो ये बड़ी बात है कि हमारा प्रशासन भी जो है वो भाई इस मामले में ढीलावस्ती नहीं करता, और जिस तरह हमने फ़ोन करा तो तुरंत प्रभावता आ गया
और हमारी मदद जो है उसने करी, ताकि डर भय की जो है स्थिति न हो गाँव में, और जो है सुशांतित गाँव जो बड़ा काम कर सके, क्योंकि देर रात है आप देख रहे पुलिस प्रशासन की कार भी खड़ी है, और इस तरह चीज़ पहली भी हुई थी भाई फतेहाबाद में, मैं बताऊँ था, और दोबारा यह चीज़ आड़ हुई है, तो यह भी एक सवाल या निशान पैदा करे है कि इस तरह घटनाएं बार बार क्यों घटना नहीं, इस तरह जो है भाई जहाज क्यों पावे हैं, तो ये बड़ी चीज़ें हैं। और जो है भाई गाँव वाले बड़े मुस्तैदी थे, पहुँच गए ताकि कोई भी इस तरह घटना हो तो साथ निभाया जा सके, सपोर्ट कराया जा सके, और जो है भाई मैं भी पहुँच गया था ताकि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो आप तक पहुँचा सकूँ, जनता तक पहुँचा सकूँ। यो अमन भाई है, उसके खेत में यो जहाज मिले है भाई, और भाई का मेरे तरफ फोन आया था कि इस तरह भाई शर्मा जी जो अपने खेत में मिला है, और ये जनाम जो है लेके आना रहे उस जहाज ने, फिर तक नज़दीक थे देख लो भाई, सारे भाई जो है पूरा गाँव देखना रहे कि यह चीज़ मिली है भाई, ये देख लो पाकिस्तान का झंडा है इसके पीछे, यह सोचने वाली चीज़ है, सवाल या निशान जो पैदा करे है कि भारत में भारत माता का झंडा होना चाहिए, हमारा तिरंगा झंडा इतना प्यारा जब रहा तो उन्होंने इस तरह खिलौने बनाने की क्या जरूरत पड़ी जिसमें पाकिस्तान का झंडा हो, PIA लिख रखा हो, तो इस चीज़ की क्या जरूरत पड़ी कंपनियां ने कि यो क्यों लिखा, आप देख नारे हो चांद तारा का जो निशान है भाई तो यो पाकिस्तान का है। और पुलिस प्रशासन भाई आगे भी जो है रिपोर्ट देना रहा है कि जो है सारी परेशानी समाप्त हो चुकी है, और इस तरह एक चीज़ मिली थी ड्रोन बताया जाना रहता, कभी पाकिस्तान का झंडा बताओ थे कभी कुछ था, तो वो जब हम उड़ा पूछे तो वह चिंता भी मिट गई। और अगर आपके आसपास भी अगर इस तरह कोई घटना हुई है, इस तरह कोई जहाज आपने भी देखना मिला है तो ज़रूर बताइए भाई, और उस वीडियो ने शेयर करियो ताकि आपका भी जो है भाई जिस तरह किसी ने मिला इस तरह कोई चीज़ तो पुलिस प्रशासन ने जो है ज़रूर अगवा करें, ज़रूर बताना चाहिए, ढीलावस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन जैसे पहुंचता है तो सारी निडरता भर है भाई, जोश भर जाए, और हमारी मदद जो है पुलिस प्रशासन करता है। अब जो है भाई हम गाड़ी में बैठ की और गाँव में पहुँचाएँ, क्योंकि गाँव के लोग भी इंतजार करना रहे, आप देखना रहे, जनाब सब ने दिखाना रहे, बाकी जो हमारे प्रेस के मीडियाकर्मी साथी पहुँच गए थे उड़े मौका वारदात पर, गाँव में जो हम खड़े हैं भाई, और पूरा गाँव अपना मैं दिखाऊँगा किस तरीके से जो है पूरा गाँव जुट गया था हमारा, एकजुट पूरा मेरा गाँव हो गया था, और ये गाँव के भाई हैं जो जिस तरह पता चला था आप देख रहे हो कितनी भारी संख्या में जो है ये भाई अपने अपने घरान छोड़ की और उस जगह पर पूछे ताकि घर वाले ने जो है वह डरने लगे और पूरी जानकारी पता लगा जा सके कि भाई के कांड था के कांड है पूरी। तो फिलहाल तो भाई यह एक खबर थी आप सबके लिए, और सारे दर्शकों से चिताइन भाण मायन अपने सचिन की राम राम भाई, जय हिंद।